आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करेंगे आज एक और बड़े अहम माशरती रवैये की, यानी उम्र से रिलेटेड जो हमारे तहफ़ुज़ात और रिएक्शंस होते हैं। वैसे तो पब्लिक फिगर्स के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र, उनका जब तक वो इतने एक्टिव हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो लोग यकीन नहीं कर पाते। कहते हैं कुछ को डाउट होता है कि शायद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। कभी अगर इनके दस्तावेज़ात लीक हो जाएँ तब भी लोगों में ये अभाम होता है कि या इनकी असल उम्र है या उम्र में 5-6 साल कम कर बता रहे हैं। एंड इट ब्रिंग्स टू माइंड द रियल क्वेश्चन कि हमारे माशरे में उम्र को लेकर, खुसूसन ख्वातीन और लड़कियों की उम्र को लेकर क्या रवैये हैं। क्या हम किस एज में उनको समझते हैं कि ओके नाउ दे हैव रियली ग्रोन अप, वो बहुत मैच्योर हैं, उनकी ज़िंदगी की तमाम चॉइसेस, यहाँ तक कि उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, उनकी पहनने ओढ़ने की चॉइसेस, हर चीज़ डिक्टेट होने लगती है। अगर आप 90s और अर्ली 2000s के मैगज़ीन्स उठाएं, इवन वेस्टर्न मैगज़ीन्स, तो कई स्टाइल्स को कहा जाता था कि जी अगर आपकी उम्र 25 से क्रॉस कर गई है तो आप खुदारा ये स्टाइल्स ना पहने। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के रूल्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा ये फिल्टर है। यहाँ तक कि बड़े जाने माने नाम दूसरी अदाकाराओं पे तनकीद करते हुए ये कहते हैं कि अब इनको माँ के रोल में आना चाहिए। एग्जैक्टली ये फिल्टर क्या है एंड हाउ डू वी एक्चुअली चेंज आवर ओपिनियन। हम इस बारे में बड़ा खुश होते हैं कि पाकिस्तान में एक यूथफुल पॉपुलेशन है, यहाँ पे आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 30 साल की उम्र से कम है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब मर्द और ख्वातीन की उम्रें 30 के बियॉन्ड चली जाएँ तो क्या उनको यूथफुल नहीं समझना चाहिए? क्या ज़िंदगी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं? आज का हमारा यही सवाल है। एजस्ट हो गई है क्या हमारी सोसाइटी या नहीं, इस पर बात करेंगे। और अपने ऊपर हम क्या पाबंदियां लगाते हैं, किस तरह अपने आप को तब्दील करते हैं, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ आज ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं आप वेरी सीनियर मैच मेकर, और इनको मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे। सिर्फ 30 ही नहीं, 40+ होने के बाद, 50+ होने के बाद, बल्कि 60+ होने के बाद लोगों के रवैये कैसे बदलते हैं, और ज़िंदा दिल लोगों के लिए उनका एज सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है, लेकिन माशा आपको जीने नहीं देता। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आपको देखा बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेफ सामिया, इनसे भी पूछेंगे। बहुत सारे अदवार अपनी शोबिज अपनी करियर में देख चुकी हैं। शी एंटर्ड व्हेन शी वाज नॉट मैरिड, फिर शादी, फिर बच्चे, उसके बाद क्या लोगों के रवैयों में और काम की अपॉर्चुनिटीज में कोई फर्क देखा या नहीं, ये इनसे जानेंगे। थैंक यू सो मच सामिया फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं अ क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद, डॉक्टर एहसन, के ये रवैये हमने कितने इंडिविजुअली इंटरनलाइज कर लिए हैं और कितने माशरे की वजह से हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। थैंक यू एहसन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सबसे पहले अगर सामिया तुमसे शुरुआत करूँ, जो बात हो रही थी कि ना सिर्फ इंसान जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अपनी लाइफ सर्कमस्टांसिस में मुख्तलिफ अदवार से गुजरता है, उसकी पर्सनैलिटी बदलती है, अपने अंदर तुमने क्या चेंज देखा इन द कोर्स ऑफ योर करियर? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, यानी बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, तुम कैसे देखती हो, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं या घट रही हैं? अच्छा, डिपेंड करता है ये आपके एज के ऊपर और आपके वर्किंग के, आप क्या वर्क कर रहे हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा करियर का बहुत पीक था, तो मैं आज भी अपने पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि आपको मेरी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अंडर 30 थी। हाँ। तो उस वक्त, उसके बाद जैसे जैसे मेरी शादी को वक्त हुआ तो मेरे करियर में बहुत बड़ा ड्रॉप आया, क्योंकि आपकी पेरेंट्स चेंज हो जाती है, और उस एरा में जो कि एक 3-4 साल का जो एरा था उसके अंदर मेरी अपनी पर्सनल लाइफ ग्रूम हो रही थी, यानी कि मैं फैमिली प्लान कर रही थी। सही। तो उससे मेरे काम में भी बहुत फर्क पड़ रहा था, उस पर मेरी फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत फर्क पड़ रहा था। लेकिन वंस आई डन माय फैमिली के, मतलब मेरे दोनों बच्चे हो गए, और जब मैंने अपने आप को वापस से कम किया तो अपॉर्चुनिटीज़ फिर से मिलने लगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर काम की एक कैटेगरी होती है कि आप अगर उस कैटेगरी को पूरे तरीके से काम करें, अपने आप को मेंटेन करें, अपने आप को, कि बहुत ऐसे ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखती है। कि आप जो है, अगर स्कूल टीचर हैं, आपकी कोई भी फिजीक है तो आपको रख लिया जाता है, आपकी सिर्फ पढ़ाई को देखा जाता है। हमारा काम स्क्रीन पे आना था। तो मुझे ये लगता है कि जब मेरे बच्चे हो गए और जब मैं एक बुर्दबार हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो मुझे ये जो खासा फील हुआ कि लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ गया है, मुझे ऐसे टॉपिक से उठाया गया। ये भी लगता है कि चाहे आप किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे शो बिजनेस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप वक्त के साथ साथ ग्रूम होते हैं, आप में मज़ीद कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन शो बिज़नेस में एक हमारा ड्रॉबैक ये है कि जब तक आप अपनी स्किल की पीक पर पहुँचते हैं, माफ़ कीजिएगा,
मिसाल के तौर पे अगर कोई अदाकारा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे रोल्स करने के बाद वो और मंझ गई है और अच्छी हो गई है, तब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, तब लोग कहते हैं कि जी फलाने किरदार में अब आप जचेंगी नहीं। तो ये भी एक अलमिया है, लेकिन इसको मिसेस खान की तरफ लेके जाते हैं। मिसेस खान, हाल ही में एक अमेरिकन मैगज़ीन ने एक रिसर्च पब्लिश की कि बकौल साइंटिस्ट, बकौल साइंसदानों के, शादी करने की बेहतरीन उम्र 26 साल है, मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। अब ये अपने आप में हमारे माशरे में तो बड़ा प्रेशराइजिंग ऑलरेडी एक सवाल है। आप क्या समझती हैं कि शादी करने की कोई परफेक्ट उम्र है भी? मैं ये नहीं कहूँगी कि लेबल कर दूँगी कि हाँ परफेक्ट उम्र 18 to 22 ही होगी, नहीं जी। आप जब मेंटली मैच्योर हो, आप जब फील कर रहे हो कि हाँ आई शुड गेट मैरिड, हाँ आप हर तरीके से अपने आप को आपने सॉलिड बना लिया हुआ, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मेंटली आप चाहते हैं कि अब आपकी शादी हो जाए, तो अब आप तब शादी करें। उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। उसको आपको ये सोचना चाहिए कि अब मैं एक फैमिली को लेकर चल सकता हूँ, एक फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, एक वाइफ को मैं खुश रख सकता हूँ। खुशी भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए आप ये सोचें कि आपकी राइट एज वो होगी जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप में वो चीज़ है ही नहीं जो कि एक शादी को कामयाब बनाती है, वो चीज़ें, तो आप शादी ना करें। इससे अच्छा घर की बर्बादी से अच्छा शादी ना करें। बिल्कुल सही, शादी की राइट एज यही है कि लोगों का जो रिएक्शन होता है ये, बल्कि मैं एसन की तरफ लेके जाना चाहूँगी। एसन, क्या कहेंगे कि अगर 30 साल से एक खातून की उम्र कम है तो उसको लड़की तसव्वुर किया जाता है और उसको उसी तरह डील करते हैं कि अभी कम सन है, अभी इतना ज़्यादा दुनिया की समझ बूझ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत दी जाती हैं। बट द मोमेंट अ वुमन क्रॉसेस 30, लोगों के रवैये में और उसके अपने रवैये में बहुत तब्दीली आती है। उसको बहुत सारे फैक्टर्स डिप्रेस करने के लिए काफ़ी होते हैं कि जैसे वो एक फेलियर है, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ या तो प्रोफेशनली या पर्सनली कमी है। आप इसको कैसे देखते हैं? वेल सिद्रा, वो कहते हैं ना कि लॉट ऑफ पेन वी आर डीलिंग विद, इट्स एक्चुअली आर ओन थॉट्स। तो ये जो खातून आपने कहा कि जो 30 साल से ऊपर हो गई हैं, अगर तो डाउट्स हैं, अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि इंटरनली उन्हें रोक रही है आगे बढ़ने से, सो आई थिंक कि कॉग्निटिव एरर्स या जिसको हम कहते हैं थिंकिंग एरर्स जो हैं वो हर इंसान के अंदर, बिकॉज जिस तरह मिसेस खान ने कहा कि एटीट्यूड्स हमारे बड़े मैटर करते हैं। एटीट्यूड्स यानी कि हमारे जो लर्न प्रीडिस्पोजिशन होती है लाइफ के बारे में, हम कौन हैं, हम किस फैमिली से, हम कहाँ से हैं, अलॉन्ग विद दैट हमारा अपना बिलीफ सिस्टम माइंड का क्या है, यानी कि हमारा नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद जो है जी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, और हमारी वैल्यूज़, यानी कि वैल्यूज़ को हम मेंटली या साइकोलॉजिकली इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल आई डिसलाइक अनियंस, मुझे प्याज पसंद है, मुझे प्याज ना पसंद है, इसी तरीके से मुझे शादी पसंद है, मुझे शादी ना पसंद है, दीज आर द वैल्यूज़। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत से कल्चर्स के अंदर ये चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हमारे यहाँ नर्चर जो है, यानी कि जो हमारा सोशल एस्पेक्ट है, हमारे माशरे का एस्पेक्ट है, वो ज़रूर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे इंटरनल थॉट्स को, हमारे इंटरनल बिलीव्स को और हमारे इंटरनल सेल्फ डाउट्स को एक रिवर्सिबल मिसाल में आपको एरर की तरफ लेके जा रहा है। आपकी बात को ये ऐड ऑन करते हुए खुसूसन मैं ख्वातीन और लड़कियों पे फोकस करना चाहूँगी। मिसेस खान, लड़कियों को अक्सर ये कहा जाता है कि देखो इस वक्त तुम्हारे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, जब उम्र 30 से कम है, 30 के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। क्या इस सोच में तब्दीली आ रही है आपके ख्याल में? नहीं, देखें एक बात बताऊँ, 30 तक तो मदर्स जो होती हैं वो लगी रहती हैं कि अब 30 का बेटा हो गया, 32 का हो गया, अब इसकी शादी कर दो। सही। अब 30 के बाद ये होगा, अगर लड़कियां हो गई तो उनके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे, जब ऑप्शंस कम होंगे तो वो फिर डेस्परेट होंगी कि अब मेरी शादी क्यों नहीं, लाख वो कितनी अच्छी जॉब पर हो, लेकिन वो भी उस वक्त इतनी मेंटली और फिजिकली अपने काम में इन्वॉल्व होती हैं कि वो शादी का सोचती ही नहीं है, क्योंकि दे आर गेटिंग, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी विद देयर जॉब, दे आर हैप्पी व्हाट दे आर डूइंग। मिसेस खान, मेरा आपसे सवाल, बल्कि मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे। आपने जो एक बात कही कि 30 के बाद ऑप्शंस कम होंगे, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि भाई 35 साल की उम्र का मर्द भी शादी कर रहा है, 40 साल की उम्र का मर्द भी शादी कर रहा है, क्या उनकी ख्वाहिश है 30 से कम उम्र लड़की, ये क्या डिमांड के तौर पर आ रहा है और क्या इसमें तब्दीली आ रही है या नहीं? जैसे ही लोग ये सुनते हैं कि लड़की की उम्र 30 है या 30 से ज़्यादा है और घर वालों को एक तरह से
से पुश किया जा रहा होता है कि वो झूठ बोलें, ऑप्शंस कम क्यों हो जाते हैं? दैट्स द रियल क्वेश्चन. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा अहम सवाल कि 30 की उम्र गुजर होते ही ख़वातीन के लिए मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स कम क्यों हो जाते हैं पाकिस्तान माशरे में, हालांकि हम देखें तो 32-35 साल की उम्र में उमूमन मर्द हज़रात की शादी हो रही होती है. तो क्या वो प्रेफर कर रहे हैं वुमेन हु आर अंडर 30? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. और सबसे बढ़कर ये कि ख़ुद एक लड़की की अगर 28-29 साल की उम्र में, जो कि प्राइम है आपकी एज का, उसमें शादी होती है तो अपने दोस्तों में बैठकर कहती है जी मेरी शादी लेट हुई है. ये लेट और अर्ली मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमारा कल्चरल इसके ऊपर एक प्रस्पेक्टिव है, इस पर ज़रा बात करते हैं. जी सामिया, क्या समझती हो, अभी भी मीडियन एज समझा जाता है पाकिस्तान में 20-25 साल के दरमियान लड़कियों की ज़्यादा शादियाँ हो जाती हैं? अच्छा, अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि 26 or 27 इज़ अ बेस्ट एज फॉर द गर्ल्स, क्योंकि आप अपने एजुकेशन भी कम्प्लीट कर चुकी होती हैं, आपको अगर कहीं जॉब करनी होती है आप वो भी कर चुकी होती है, और एटलीस्ट इतनी मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी होती हैं फिजिकली और मेंटली कि अगर आप किसी के घर जा रही हैं तो वो आपको इतनी, जो हम सुनते हैं ना माशरे में कि ये हो गया, ये हादसा हो गया, डिवोर्सेस रेट जो बढ़ते हैं वो कम उम्र के ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको इतनी अकल और समझ नहीं होती, ज़िंदगी गुजारने के वो तरीके उनको पता नहीं होते. लेकिन 26-27 एक ऐसी एज है कि जहाँ पे आप मेडिकली भी फिट हैं, आप फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं कि ज़िंदगी के जो भी उतार चढ़ाव हैं वो आपके लिए आसान है, आप उसको मेच्योरिटी से डील कर सकती हैं. इसी तरीके से जो भी मर्द है वो 30 और 32 पे आता है वो परफेक्ट एज है ताकि वो एक औरत को और जो उसके बाद जो उसकी फैमिली होगी उसके लिए बैलेंस कर सके. तुम्हारा देखो ये ओपिनियन है तुम्हारा एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मुझे बताओ ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है? क्योंकि जब हम बात कह रहे हैं 22 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की है, 7 बिलियन की आबादी दुनिया भर की है, हर शख्स एक ही टाइमलाइन पे तो नहीं चल सकता, हर शख्स 26 की उम्र में शादी नहीं कर सकता. आपका एक आपके अपने घर का भी माहौल पे डिपेंड करता है. कुछ हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक करते ही लड़कियों की मंगियां कर देते हैं और कहते हैं बस यही परफेक्ट मतलब एज है और हमारे खानदान का यही उसूल है. उसके बाद उसके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनको अपनी बेटियों को बस पढ़ाना है, लिखाना है, वो एक अच्छे मुकाम पर पढ़े, उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम इनकी शादी करेंगे. तो हमारी सोसाइटी में सो मल्टीपल फेसेस तो हैं ही, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना कि 30 के बाद ऑप्शंस कम होना, ये हमारे अपने सोसाइटी कल्चर के हिसाब से, इसी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग लेकिन हैं जो ये, मैं खास तौर पर चाहूँगी कि आज वो घराने जो अपने बेटों के रिश्तों के लिए निकल रहे हैं वो ज़रा गौर से प्रोग्राम सुने, क्योंकि हम ताली दोनों हाथों से बजती है. अगर ये लड़की वालों का कि लड़की के घर वालों का ये पेन पॉइंट है कि जी उम्र बढ़ रही है, माशरे से उनको सुनने को मिल रही है, रिश्ता कराने वाले उनको ये कह रहे हैं कि जी अब बहुत देर हो गई, तो दूसरी तरफ भी थोड़ा सा एहसास की ज़रूरत है. मिसेस खान, आप क्या समझती हैं कि जो रवैये हैं, आपके पास भी कई ऑप्शंस होंगे जब आप लोगों को लिंक अप कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लड़की की उम्र 30 से ज़्यादा है, क्या नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव रवैये आते हैं आज भी? हाँ, 30 से ऊपर अगर हम लड़कियां दिखाएं और लड़का 32-33 का होगा तो मदर्स कभी एग्री नहीं करेगी. अच्छा. वो बहुत से ऐसे फैक्टर्स सामने रखेंगे कि मिसेस खान अब इनमें देखें ना, कम डिफरेंस है, एज डिफरेंस, अब लेटर ऑन हो सकता है कि भाई आगे बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एज बढ़ती जाती है तो लड़कियों को प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसे वो रखती हैं. लेकिन अब आप देखें, अगर लड़की अगर प्रोफेशनल है, FCPS वगैरह कर रही है, तो उसकी एज ये हो जाती है. और ये फजूल की बातें बनाई हुई हैं, अर्ली 30s में भी बहुत आसानी से आप कंसीव कर सकती हैं, और बल्कि लड़कियाँ मैच्योर होती हैं, वो स्टेबल हो जाती हैं, वो अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह परख सकती हैं, उनके साथ रह सकती हैं, और हर ऊंचाई और निचाई को, वो हर ऊंचा और नीचा वक्त जो आता है उसको संभाल लेती हैं, अपने घर को संभाल लेती हैं. अच्छा, अपनी फैमिली को संभाल कर आगे चल लेती हैं, बिकॉज उन वो अब पुख्ता हो चुकी होती हैं, अब वो एक मेंटली भी मैच्योर बारी आ चुकी होती है. बिल्कुल मिसेस खान, अगर इसी बात को एहसन आपकी तरफ लेके जाऊं, ये जो हम कह रहे थे ना कि एहसास-ए-तिश्नगी
30 के एज ब्रैकेट में सिर्फ उन ख्वातीन को नहीं है जो प्रोफेशनली मशगूल रही हैं और उनकी शादियां 30 की एज तक नहीं हुई हैं फॉर वट एवर रीजन्स। हम यहां पे बात कर रहे हैं एक ओवरऑल सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी जो एज से रिलेटेड है। आप बहुत सारी ऐसी ख्वातीन जिनकी 21-22 की उम्र में शादी हो गई, आप उनके दो दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्टेबल एज के बच्चे हैं, और वो 30 साल की उम्र में सडनली फील कर रही हैं कि अगर वो अपने दोस्तों को देखती हैं तो दोस्तों ने प्रोफेशनली बहुत कुछ अकम्प्लिश किया हुआ है, जबकि हालांकि उनकी शादी सो कॉल्ड सोसाइटी के हिसाब से टाइमली हुई थी, उनको घर पे भी इज्जत नहीं मिल रही, उनका मियां भी उनको कह रहा है कि जी तुम तो घर में बैठी हुई खातून हो, तुम्हें नहीं पता दुनिया में क्या होता है। ये जो एक फीलिंग है एक 30-year-old हाउसवाइफ की, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो मैं इधर कोट करने लगूं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी, उनकी जब शादी हुई तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे एज में ज़्यादा थी। ठीक है, ये बेसिकली दो लोगों के दरमियान का रिश्ता है और इसके अंदर 8 कंपोनेंट्स हैं सिद्रा। अगर हम ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, जो फेमस साइकोलॉजिकल थ्योरी है स्टर्नबर्ग की, अगर उसको मैं कोट करूँ तो देखें, पहली चीज़ होती है लाइकिंग, कि दो बंदे आपस में कितने इंटरमिट हैं, कितना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि वो कंपेनियट जो कंपोनेंट है जिसके अंदर इंटीमेसी और कमिटमेंट दोनों आती है। ठीक है, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ज़रूरियात। तीसरी आ जाता है एक, उसको हम कहते हैं एम्प्टी लव। एम्प्टी लव में सिर्फ कमिटमेंट होती है जी, पैसे भी कमा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और एम्प्टी लव है। फिर एक फैशियस लव होता है। फैशियस लव के अंदर पैशन होता है, जज्बात होते हैं एक दूसरे के हवाले से, एक दूसरे की फीलिंग्स के हवाले से, और कमिटमेंट होती है। और फिर इन्फैचुएशन होती है, उसमें सिर्फ पैशन होता है। एंड देन इज अ रोमांटिक लव जिसे हम कहते हैं, उसमें पैशन और इंटीमेसी होती है। बट कंज्यूमेड लव जो है, जो मिड ऑफ ऑल ऑफ दीज ये जो आता है, उसके अंदर इंटीमेसी यानी कि दो लोगों का एज, दोनों बालक हों, करीब के हों, वो मैटर करता है। पैशन होना चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसको हमने एक एस्पेक्ट में रह, बिल्कुल ऐसा इसको, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे इक्वेशन में, चाहे वो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हमारी सोसाइटी हो, हमारा लिटरेचर हो, हर चीज़ ने रोमांटिसाइज किया हुआ है, फैंटेसी बनाई हुई है एक वुमन की यूथ को और उसकी ब्यूटी को, और उसका भी जाविया मुख्तस कर दिया है कि उसकी प्राइम ऑफ लाइफ 20s है। हालांकि अगर आप एक मर्द को 20s में देखते हैं, वो इमेच्योर होता है, और लड़की भी बाय द सेम फैक्टर, उसने जिंदगी के इतने तजुर्बे, इतने एक्सपीरियंसेस नहीं देखे हैं, लेकिन हमने उसकी जो उसकी अट्रैक्शन है, उसकी जिंदगी का जो प्राइम फेज है, वो 20s कह के कर दिया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद के एक्सपीरियंसेस, क्या जिंदगी 30 पे खत्म हो जाती है ख्वातीन के लिए? देखें, ये डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह जिसने KFC बनाया था, वो तो बिल्कुल लास्ट एज में था, अपनी 60s में था, और उसे सक्सेस मिला जी। उसको हैप्पीनेस मिली, उसका काम चल गया। एक एग्जांपल डिफरेंट एस्पेक्ट में दे रहा हूँ। और अगर हम देखें यूरोप में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो बहुत जल्दी वो लोग शादियाँ कर लेते हैं। जिस तरह आपने भी बताया शुरू में कि रिसर्च कुछ लोगों के ऊपर की जाती है, और एक कंट्रोल ग्रुप होता है वर्सेज एक दूसरा ग्रुप होता है, सेपरेट ग्रुप होता है, उसके मुताबिक उन्होंने एक आइडियली बता दिया 26 साल। लेकिन इट डिफर्स कल्चर टू कल्चर्स, वैल्यूज टू वैल्यूज, ये दो बंदों के और दो फैमिलीज के मतलब कैनवस को थोड़ा सा खोलते हैं, इसको शादी के बियॉन्ड लेके जाते हैं। सामिया, क्या समझती हो? हॉबीज, मिसाल के तौर पे एक अगर 25-26 साल की खातून है, वो कुछ नया सीखना चाहती है, वो स्विमिंग सीखना चाहती है, वो हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती है, तो वहाँ पे भी सुनने को ये मिलता है कि इस उम्र में क्या शौक पाल लिया है। तो क्या हॉबीज, फैशन, लाइफस्टाइल चॉइसेस, कुछ नया सीखना, उसके दरवाजे हमारा समाज बंद कर देता है खातून के ऊपर? हॉबीज़ की बात तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे लोग अगर शादी के बाद या कोई एक अच्छी खासी उम्र के बाद, यानी कि 26-27 के बाद जो अच्छी खासी उम्र लोगों के लिए हो जाती है, अगर वो तालीम भी हासिल करने के लिए बैठते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही ट्रोल हो जाते हैं कि इतनी बड़ी लड़की, इतने बड़ा लड़का जो है वो हमारे साथ पढ़ेगा, हम तो कितने छोटे लगते हैं, कितने बड़े लगते हैं, अंकल लगते हैं, अंकल लगते हैं, कहना शुरू कर देते हैं, बेचारे खुद कितने अनकंफर्टेबल होते हैं। और ये हम नहीं सोच पाते कि अगर इन्होंने अपनी प्रॉपर एज के अंदर अगर ये नहीं किया, तो उसका कोई बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनके घर का माहौल ऐसा ना हो, या उसके बाद वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो चुके हों, या उनकी शादी हो चुकी हो, या उस वक्त उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बहुत सारी रीजंस होते हैं। लेकिन मेरे नज़र में अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से बड़े जिम्मा हो चुके हैं, जहाँ पे आपको ये खुद को लगता है कि ये जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर थी और मैं इसे मुकम्मल तौर पर कम्प्लीट कर रही हूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ कर सकते हैं।
जो कि आपके लिए आपकी जो आपको खुशी देते हैं। कभी किसी फैशन पे तुम्हें रोका या टोका गया कि भाई अब तो तुम्हारे दो बच्चे हैं तुम ये फैशन क्यों कर रही हो? नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं करा क्योंकि हाँ। मैं बहुत ज्यादा फैशन नहीं करती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत लेकिन जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि खासतौर पे बेटी होने के बाद मुझे बहुत जगहों पे रोका गया था, खासतौर पे मेरे पेरेंट्स की तरफ से कि समझा अब तुमको ये नहीं करना, तुमको ये नहीं करना। लेकिन ग्रेजुअली जब मैंने अपने आप को प्रूव किया कि मैं इस चीज़ में ये काम, कपड़े नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि शोज़ में मुझे बहुत मेच्योर अब सवालात मुझसे किए जाते हैं जो पहले मुझसे मेरी एज देख के नहीं किए जाते थे या मुझे उस कॉन्टेंट का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा होता था। तो कहीं पर इस एज के बहुत फ़ायदे भी हैं, कहीं पर इस एज के थोड़े से नुकसान भी, लेकिन हाँ ये मैं कहूँगी कि मेनटेन रहें। हाँ, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट सामिया ने उठाया है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। हमारे यहाँ ये भी बड़ा एक फिनोमेना है कि 30 35 40 साल की उम्र के बाद ख्वातीन इसको ना सिर्फ अपने ऊपर तारी कर लेती हैं। आप ये देखें छोटी सी मिसाल, हम बैठ के नमाज़ पढ़ने लगते हैं, हम उठना बैठना छोड़ देते हैं, हम फिज़िकली एक्टिव नहीं रहते। ऑन दी अदर हैंड जहाँ हम मग़रबी ममालिक की ये मिसाल दे रहे थे कि वहाँ यंग एज में भी शादियाँ होती हैं, वहीं ये देखा भी जाता है कि 40 50 साल की उम्र तक ख्वातीन रनिंग भी कर रही हैं, साइकिलिंग भी कर रही हैं, फिजिकली एक्टिव और फिट हैं। उनको देखकर वो हमने जो खाका बनाया हुआ है 40 का वो है ही नहीं। हमारे यहाँ इतनी जल्दी एजिंग, बॉडी की बायोलॉजिकल एजिंग क्यों हो रही है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, शौक की बात हो रही है, बनाव सिंघार की बात हो रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीम मैंने देखा, किसी ने एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लड़की की लगाई हुई थी, फिर उसके बाद उसका थोड़ा यू नो नॉर्मल से होलिये में थी, अच्छी नहीं इतनी ज़्यादा लग रही थी। उन्होंने कहा जब तक शादी नहीं हुई थी तो ऐसी दिखती थी, शादी के बाद ज़रा जो होलिया ख़राब हो गया वैसी दिखने लगी। तो इसमें बड़ा मेजर फैक्टर आपके अपने ख़ानदान और आपके उस घर का है जो उस लड़की को दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक वालदैन के घर पर थी, आज़ादी थी, खुश थी, तो अपने आप को उसने मेनटेन रखा हुआ था। शादी के बाद लड़कियों में, ख़वातीन में बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं। जो लड़की पहले अपने बनाव सिंघार पे थोड़ा यू नो वक्त खर्च करती थी, फोकस करती थी, उससे ये उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशन है कि वो ना करे। हमारे यहाँ शादी के बाद ये बड़ा कॉमन ताना है कि जी उसको तो घर की कोई फिक्र नहीं, हर वक्त पार्लर में बैठी रहती है। मिसेस खान, ये ताने कब तक ख़त्म होंगे? क्योंकि अगर देखा जाए, क्या ये कोई गोल्ड मेडल है अच्छी बीवी होने का, अच्छी खातून खाना होने का, कि आपका हुलिया बिगड़ा हुआ है, आप अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखती, इसका मतलब है आप बहुत अच्छी माँ बहुत अच्छी बीवी हैं? नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आजकल अगर आप देखेंगे कि अगर बेटे की शादी हो रही है तो जरा माओं को तो देखें तैयार होते हुए। सही, वो पार्लर से तैयार होंगी, बड़ा अच्छा ड्रेस पहनेंगी, बड़े अच्छे गरारे पहनेंगी। भाई बाज़ दफ़ा तो मैंने देखा है कि लड़की से अच्छा गरारा तो सास ने पहना हुआ है। सही। तो ये कॉन्सेप्ट सब चेंज हो गए हुए। आप देखिए उसका उसके बालों के हेयर स्टाइल्स कितने अच्छे होंगे, सास की ज्वेलरी बहुत बेहतर होगी। वो तो सास दुल्हन के साथ बैठी हुई लगेगी नहीं कि ये सास है, लगेगी कि उसकी फ्रेंड है। और मैं बताऊं कि मेरा आप देखें कितना, आई एम 70+ नाउ, अब मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, उसके बावजूद मेरा दिल अब थोड़ा सा मर गया हुआ है एक्सीडेंट के बाद। लेकिन अभी अब आप देखें 6-8 महीने पहले आई यूज़ टू ड्रेसअप, और मैं चाहती थी कि मैं यंग एज की लड़कियों में भी जाऊँ तो उनसे अच्छा मैं ड्रेसअप हूँ, और जब मैं कहीं एंटर हूँ तो लोगों की आईब्रोज ऊपर उठ रही हों और देख रही हों कि मिसेस खान आ रही हैं और कितनी अच्छी तरह ड्रेसअप हुई हुई हैं। और तो ये तो नफासत और जो शौक होता है वो आपके अपने दिल का शौक है। औरत ये चाहती है कि वो खूबसूरत लगे। वो हमारी माओं का जमाना था जबकि वो अपना हुलिया खराब कर लेती थी, कहती थी अब तो जवान बच्चे हो गए, अब मैंने क्या बन सच के करना। लेकिन आजकल की औरत में वो चीज़ नहीं है। आजकल की औरत चाहती है कि मैं यंग लगूँ, मैं खूबसूरत लगूँ, मैं स्मार्ट लगूँ, मैं कहीं आउट जाऊँ तो मेरी वैल्यू हो,
मैं इस तरह डिप्रेस ना बैठूं, क्यों क्यों ना मैं बच्चों से बात करूं, क्यों ना अच्छा, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो प्रॉब्लमेटिक है। कहीं ना कहीं ख्वातीन को उम्र के हर हिस्से में एक होली ग्रेल है यू नो ब्यूटी स्टैंडर्ड का, जिसको चेज करने के पीछे लगाया हुआ होता है। क्या कहोगे यू नो ऐसा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि मर्द हजरात और ख्वातीन दोनों की तकरीबन 30-35 की उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मर्दों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है कि वो बालों को रंगें, लेकिन ख्वातीन बेशक बेचारी 50 साल की क्यों ना हो जाएं, उनको जाके रूट टचअप कराना पड़ता है, उनको बाल कलर करने पड़ते हैं, माशरा उनको सफ़ेद ग्रे हेयर के साथ एक्सेप्ट नहीं करता, रवैये बदल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मर्द हजरात अगर पेपर सॉल्ट हेयर भी उनके हों, सफ़ेदी थोड़ी सी झलक भी रही हो, उसको भी समझा जाता है कि ये तो बड़े जाजिब नज़र और बड़े हैंडसम लग रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? या वो देन अगेन जो हमारा परसेप्शन है, हम जैसा परसीव करते हैं लोगों को, हमारा जो अपना एक अपना बिलीफ सिस्टम हर इंसान का होता है, सोसाइटी के अंदर अगर एक एस्पेक्ट का बिलीफ सिस्टम ज़्यादा हो तो फिर ओवरऑल हम कहते हैं सोसाइटी ऐसी है। आई थिंक कि इंसान के अगर सफ़ेद बाल भी हों, एक औरत जो है वो उसके सफ़ेद बाल भी हों, उसको लगे कि वो खूबसूरत नहीं भी है, अगर वो फैशन ना भी कर रही हो या कर भी रही हो, औरत को अल्लाह पाक ने बहुत एक अच्छा खूबसूरत अंदाज दिया है, ये भी एक परसेप्शन होता है हर इंसान का। और वहीं पे दूसरा एस्पेक्ट भी होता है जो हमारे अंदर से कहीं से निकल रहा होता है। सामने अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं, बिकॉज़ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर अ लिटिल बेटर। यानी एक तरफ तो ये बात है कि ठीक है आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को चाको चौबंद रखें, चुस्त रखें, एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, लेकिन ये भी एक तरह से प्रेशर तो है ना ख़वातीन पे, क्या कहोगी? देखिए मैं एक बात ऐड करूँ मिसेस खान के साथ कि आजकल जो लड़कियां हैं, जब उनको देखने के लिए कोई लोग आते हैं और वो जब बैठती हैं, तो लड़कियां जो दुल्हनें होती हैं इन फ्यूचर, और उनकी माएँ उनके उनकी माँ को देखती है कि वो कैसे तैयार हुई हुई हो, उनके कपड़े कैसे, उनके जूते कैसे, उन्होंने क्या ज्वेलरी की हुई है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात तो बहुत पोलाइटली कह रही हूँ, उनकी सिर्फ ज्वेलरी नहीं, उनको भाई देखा जाता है 20 साल बाद ये लड़की कैसे देखेगी, उसकी माँ को देखो। एग्जैक्टली कि लड़की नहीं, लड़के की माँ को लोग देख रहे होते हैं कि अगर इनकी सोच अगर ब्रॉड माइंडेड है और अगर ये बहुत अच्छी फैमिली से है तो ये मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा रखेंगी। तो अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी होती है, आपकी सास, आपकी माँ या आप खुद, तो आपके ऊपर ये प्रेशर कम आता है, ये जो मैंने फेस किया है। और अगर आपकी माएँ बहुत आपकी ही जो उनकी एज जो बहुत बुजुर्ग हैं, बिल्कुल उनके दांत जो है वो हिल रहे हैं, वो अपनी मेंटेनेंस नहीं रखी हुई या उनके हाथ खराब हैं, तो ये प्रेशर आपके ऊपर आते हैं, भाई तुम अपनी माँ जैसी मत बन जाना। ये वाली चीज आती है। तो ये बहुत मैटर करता है कि अगर आपके बड़े घर की खासतौर पर ख्वातीन, जैसे कि आपकी सास है, आपकी माँ है, अगर उन्होंने अपने आप को अपनी एज के हिसाब से मेंटेन किया हुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई 60 साल का है वो 20 साल का फैशन करे, हर एज में अपने हिसाब से फैशन करे, वो आपको यंग और स्मार्ट लगाता है। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन एक बैरियर है ना। मैं कल बात कर रही थी, आई वाज सिटिंग विद फ्रेंड्स, सरवत वाज देयर, डॉक्टर फहद वाज देयर, उन्होंने कहा कि जी 40 साल की उम्र एज ऑफ एनलाइटनमेंट कही जाती है, कि लाइफ बिगिंस एट 40। जिंदगी में अब तजुर्बे करके तो इतनी समझ आई है, कई ठोकरें, कई एक्सपीरियंसेस आप ले चुके हैं, और उसके बाद आप जिंदगी को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जी जिंगल भी ये बनता है, वैसे मैं 40 हूँ, अंदर से अभी भी 30 हूँ, यानी 40 को भी हमने एक ऐसा लेबल बना दिया है। सिद्रा एक बात जस्ट अ मिनट जी, किस औरत जो है आपको पता है कि वो 40 के बाद ही खिलती है, औरत जो है 40 के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप देखें वो हल्का सा अपना मेकअप करे, हल्का सा अपना स्टाइल बनाए, 40 के बाद तो उसमें एक ठहराव आता है, 40 के बाद औरत बहुत खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है ना, वो जिम्मेदारियों से परे हो चुकी होती है, उसके बच्चे अगर शादीशुदा जिम्मेदारियां सामने, बच्चे अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जो सिंगल है सारे जिंदगी के उतार चढ़ाव देख लिए हैं, और उसके बाद अगर वो सिंगल भी है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है, तो कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता होता है कि उसने लोगों को कैसे फेस करना है, वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करती है, जैसे कई चीजें पूरी करती है। एग्जैक्टली सामने, जैसे अक्सर लोग समझते हैं कि 40 के बाद खवातीन मुंहफट हो जाती, वो सारी बातें कहती है जो 40 साल तक कह नहीं पाई होती हैं, तो जो दिल की बातें होती है ना वो निकल के बाहर आती हैं। आपको पता है, आपने ब्लैक एंड सॉल्ट पेपर की बात करी, कि ये फिनोमिना है कि अगर आदमी के बाल हर कैसे ब्लैक एंड व्हाइट हैं, तो वो हैंडसम कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर खवातीन अगर उसी
बालों के अंदर हर किसी स्ट्रिंग्स डाल लें तो वो भी एक खूबसूरत खवातीन बन जाती हैं। ये तो है, देखें कि हर एजेस के अंदर बिल्कुल सामिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मिसेस खान और डॉक्टर एहसन हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जी, रवैये इंसान को या तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं या उसको उसकी हिम्मत को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपने भी अपने ऊपर एज का जो नंबर है वो मुसल्लत कर लिया है और आप समझते हैं जी अब तो द बेस्ट डेज आर ओवर, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है, प्लीज़ अपने रवैये को बदलिए। आप यू कैन टर्न अराउंड, अल्लाह ताला ने एक सोफिस्टिकेटेड आपको मशीन बना के भेजा है एंड यू हैव द पावर टू हील योरसेल्फ एंड बिगिन योर लाइफ एट एनी पॉइंट। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।